आखिर क्यों मंदिरों की दीवारों पर ये नग्न और कामुक अवस्था की अश्लील मूर्तियां उकेरी गईं? क्यों हिंदू धर्म के इन पवित्र मंदिरों में काम वासना में चूर इन प्रतिमाओं को बनाया गया होगा? क्यों सामूहिक संभोग जैसी अनैतिक और असामाजिक मूर्तियां बनाई गईं, वो भी मंदिरों की दीवारों पर? आखिर कौन लोग थे, क्या सोच क्या विचारधारा रही होगी खजुराहो के उन लोगों की? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने चलिए चलते हैं द वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स की ओर। तो इन मंदिरों में मुख्य जो एंट्री है वहां पर ये बोर्ड लगाया गया है जहां पर इन मंदिरों को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो चलिए चलते हैं मंदिरों की ओर जहां से हम पूरे 11 के 11 मंदिरों को कवर करेंगे। खजुराहो के कुल 85 मंदिरों में से केवल 24 मंदिर बचे हैं। उनमें भी वे पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी समूहों में बिखरे हुए हैं। पश्चिमी समूह में केवल 11 मंदिर हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित एवं भव्य अवस्था में स्थित हैं। तो मेरे दाईं तरफ है सबसे पहला मंदिर जिसको लक्ष्मी मंदिर कहते हैं। ये मंदिर इस समूह का सबसे छोटा मंदिर दिखाई पड़ता है। इन मंदिरों की दीवारों पर किसी भी प्रकार की प्रतिमाएं नहीं हैं। बलुआ पत्थर से बना एक ऊंचा चबूतरा स्थित है जिस पर यह छोटा सा मंदिर बनाया गया है। चारों तरफ से देखने पर यह बेहद भव्य मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। इन पत्थरों को यदि आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि इन पर ये जो काले चट्टे या काले धब्बे बने हुए हैं वास्तव में ये एक ज्वालामुखी के भाग हैं। ये विष्णु के वारा अवतार का जो मंदिर है वो इस तरह के पूरे 14 स्तंभों पर बना हुआ है और इसकी जो दीवारें हैं उन पर कोई नक्काशी वगैरह नहीं करी गई है, लेकिन जो वराह की प्रतिमा यहाँ बनाई गई है वो काफी विशाल चट्टान को काट करके बनाई गई है, यानी कि एक ही जो पत्थर है उसमें इस प्रतिमा को घेरा गया है। भगवान विष्णु ने हिरणाक्ष नामक राक्षस का वध इसी रूप में किया था और पृथ्वी को पाताल लोक से निकाल कर बाहर लाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वराह की मूर्ति पर अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। वराह के चरणों में शेषनाग को भी दिखाया गया है। मैं खड़ा हूँ लक्ष्मण मंदिर के जो द्वारपाल खड़े रहते थे उस स्थान में, और ये लक्ष्मण मंदिर है। चलिए ऊपर आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण लगभग 930 ईस्वी में यशोवर्धन नामक राजा ने करवाया था। चूंकि राजा का नाम लक्ष्मण वर्मन भी था इसलिए इसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा से लगभग 16,000 शिल्पकारों को बुलाया गया था जिन्होंने 7 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद इस मंदिर का निर्माण किया था। दसवीं शताब्दी के आसपास चंदेल वंश के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। मुस्लिम आक्रांताओं ने इनके विनाश में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक देहाती क्षेत्र होने के कारण कालांतर में ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गए। अठारह ईस्वी में एक अंग्रेज खोजकर्ता फ्रैंकलिन ने इन्हें पुनः खोज निकाला। उसके बाद अनेक अंग्रेजी विद्वानों ने यहाँ पर अवलोकन किए और अनेक पुस्तकें लिखी।
1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन ले लिया और छत्तरपुर राज्य के सहयोग से इन मंदिरों का पुनरुद्धार किया। यह तो था बेहद संक्षिप्त इतिहास खजुराहो का। तालाब और बागों के किनारे चंद्र बर्मन सहित लगभग 22 चंदेले राजाओं ने इन 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से करीब 24 मंदिर शेष हैं, बाकी समूल नष्ट हो गए हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर अनेक नग्न और कामुक प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, जो बादशाहन की कामसूत्र पुस्तक से प्रेरित प्रतीत होती हैं। कुछ मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर इस तरह के बीजक लगे हुए हैं, जिनमें देवनागरी लिपि में संक्षिप्त इतिहास लिखा हुआ है। वैसे तो बाहरी दीवारों पर शिकार, युद्ध, नृत्य, संगीत, विवाह, राज दरबार एवं गुरु शिष्यों का भी चित्रण किया गया है, परंतु सामूहिक संभोग की प्रतिमाएं आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है। इन नग्न प्रतिमाओं के बनाए जाने के पीछे के रहस्यों को जानने के दो मुख्य मत सुझाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला जो मत है उसके अनुसार उस वक्त के राजाओं और शिल्पकारों को चरित्रहीन एवं नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीन बताया गया। वहीं कुछ विद्वान इन प्रतिमाओं को कामसूत्र के आसनों और आलिंगनों का चित्रण मानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मत की। कुछ विद्वानों का मानना है कि वाम मार्गी समुदाय के तांत्रिकों द्वारा योग की तरह ही भोग को भी मोक्ष का मार्ग माना जाता था और पूजा पाठ की भांति ही संभोग की क्रियाएं की जाती थी। इन्हीं क्रियाओं को इन मंदिरों की दीवारों पर उकेर दिया गया है। आपको इन दोनों मतों में से कौन सा अधिक प्रासंगिक लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन मंदिरों में काम वासना और उत्तेजना प्रेरित करने वाले अनेक आसन, जो कि वास्तव में काम सूत्र के आसनों को दर्शाते हैं, उकेरे गए हैं। वहीं सामूहिक संभोग, यहां तक कि अप्राकृतिक मैथुन करते हुए सैनिक दर्शाए गए हैं, जो युद्ध स्थल पर जहां पर महिलाएं नहीं होती थीं, वहां पर कम ऊंचाई की घोड़ियों के साथ संभोग करते हुए अनेक सैनिक दर्शाए गए हैं। दूसरी किंवदंती ये भी है कि वर्षा और वादलों के राजा इंद्र को, जो कि रसिक प्रवृत्ति के हैं, को प्रसन्न करने के लिए ये नग्न और कामुक प्रतिमाएं इन मंदिरों पर उकेरी गई हैं, ताकि इंद्रदेव प्रसन्न रहें और उनके वज्र से निकली बिजली यामिनी इन मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाए।
हालांकि अब इन मंदिरों पर त्रड़ित चालक लगा दिए गए हैं। एक और किंवदंती या मत ये भी है कि तत्कालीन समाज के लोगों पर बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने के कारण लोग काम वासना से दूर होते चले जा रहे थे, जिससे जनसंख्या कम होती जा रही थी और वैदिक काल की मान्यता अर्थ धर्म काम और मोक्ष धूमिल हो रही थी। अतः इन समस्याओं के समाधान बस इस तरह की कामुक प्रतिमाओं का चित्रण इन मंदिरों की दीवारों पर किया गया। मनी कनात माया पिंड अभी भी कम टू खजराओ। इन मंदिरों के मुख्य पांच भाग होते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है अर्ध मंडप, जिसे प्रवेश कक्ष भी कहते हैं। वहीं दूसरा भाग है महामंडप, जिसको धार्मिक नृत्य वगैरह करने के लिए जो नृत्यिकाएँ होती थीं वो काम में लेती थीं। इसके बाद जो तीसरा भाग आता था वो होता था अंतराल, और यही वो स्थान होता था जहाँ पर पूजा पाठ तत्कालीन जो पंडे ब्राह्मण हुआ करते थे उनके द्वारा करवाया जाता था। चौथा जो मुख्य भाग होता था वो होता था गर्भगृह, और यहीं पर जो मुख्य देवता होता था उसकी प्रतिमा रखी जाती थी। पांचवा भाग होता था प्रदक्षिणा पथ, यानी गर्भगृह के चारों ओर एक परिक्रमा होती थी जहाँ पर जो भक्तजन होते थे वो परिक्रमा अपने इष्ट देव की कर सकते थे।
तो फाइनली लगभग 4-5 घंटे की मशक्क़त के बाद हमने ये जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स है खजुराहो का, उसे कंप्लीट कर लिया है। और अब हम जाएंगे एक और नए ग्रुप की तरफ और वहाँ कुछ नया देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लेते हैं विदा।